दोस्तों आज की टेक अपडेट्स में Redmi Note 7S उसके बाद है बड़ी खबर Huawei की तरफ से और फिर दोस्तों हम नजर डालेंगे कि Xiaomi का Black Shark 2 इंडिया में कब लॉन्च हो सकता है और उसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात कटिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो सबसे पहली खबर है दोस्तों यहाँ पे Xiaomi Redmi Note 7S के बारे में और ये फोन आज इंडिया में लॉन्च हो गया है 10,999 रुपए दोस्तों। इसके 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज वेरिएंट वाले की है और उसके अलावा आप इसको अगर खरीदना चाहते हो 4GB एंड 64GB में तो आपको देना पड़ेगा 12,999 रुपए। तो इसमें भी दोस्तों आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, मतलब ये फोन दिखने में और सारी चीजों में एकदम Redmi Note 7 जैसा है, बट यहाँ पे जो 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसमें आपको सैमसंग का सेंसर मिलता है GM1, ना कि सोनी का IMX सेंसर जो आपको मिलता है Redmi Note 7 Pro में। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको Snapdragon 660 मिलता है ना कि 675 जैसा कि आपको Redmi Note 7 Pro में मिलता है। तो 1,000 रुपये दोस्तों इसके जो 4GB और 64GB वाले का दाम है उससे कम है एंड इसमें आपको Snapdragon 660 से काम चलाना पड़ेगा, मतलब Xiaomi ने एकदम फ्लड कर रखा है मार्केट। एंड Redmi Note 7, 7S एंड 7 Pro ये जो 6 फोन्स हैं वो आपके 9,999 से लेकर के 16,000 रुपए तक पूरा का पूरा मार्केट प्राइस कवर करते हैं। तो ये फोन दोस्तों आप खरीद सकते हो 23 मई से एंड ऑफ कोर्स फ्लैश सेल में मिलेंगे ये एंड आपको सारे के सारे बाय लिंक इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा। अब नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों यहाँ पे Huawei की तरफ से एंड ये दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है बिकॉज अब गूगल ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया है कि आगे से Huawei के किसी भी फोन में आपको गूगल की सर्विसेज देखने को नहीं मिलेंगी, मतलब गूगल प्ले स्टोर नहीं एंड आप कुछ इंस्टॉल भी नहीं कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी तक जितने फोन्स आए उसमें नहीं, आपके पास अगर अभी Huawei का फोन है इसका मतलब ये है कि आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे बट आगे जा करके भी किसी भी फोन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओपन सोर्स के अंदर जो एंड्रॉयड वर्जन है ऑफकोर्स उसमें Huawei अपना वो बना सकती है बट उसमें आप कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकते और वो यूजेबल नहीं होगा एवरीडे सिनेरियो के लिए। तो ये एक कमर कस लिया है गूगल एंड US वालों ने कि अब Huawei को किसी तरीके से मतलब प्रॉब्लम देनी ही है। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों यहाँ पे Xiaomi के Black Shark 2 के बारे में और ये फोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है 27 मई को एंड ये दोस्तों अभी तक ऑफिशियल खबर नहीं है बट ये एक स्पेकुलेटेड खबर है। तो इस फोन में दोस्तों आपको वही Snapdragon 855 मिलेगा बट स्क्रीन रिफ्रेश दोस्तों यहाँ पे आपको 60Hz मिल रही है ना कि 90Hz। तो ओवरऑल ये दिखने में बहुत ही सुंदर है और ये गेमिंग के लिए फोन बनेगा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि भाई अब OnePlus 7 Pro जो आया है जिसमें ऑलरेडी Snapdragon 855 है और 90Hz तक का रिफ्रेश रेट है तो वो गेमिंग रेडी है और उसमें भी गेम दोस्तों बखूबी चलते हैं, तो उसके सामने इसकी प्राइसिंग क्या रखेगी Xiaomi और क्या ये मतलब इंडिया के फीजिबल होगा ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। वैसे आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आज सब्सक्राइब का बटन तो जरूरी दबा देना और बगल में जो घंटे का आइकन है ना उस पर टैप कर देना। वैसे बहुत सारी न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे Xiaomi के बारे में हो गई तो आज के क्विक टिप में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो Xiaomi के फोन्स होते हैं ना उसमें MIUI में आपको बहुत सारे एड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब हर जगह एड्स छुपे हैं। तो आपको अगर वो एड्स डिसेबल करना है ना तो इस वीडियो के नीचे दोस्तों मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें आप देख सकते हो कि वो 7-8 प्रकार के जो एड्स आपको दिखाते हैं वो आप कैसे करोगे डिसेबल, मिस मत करना अगर आप एक Xiaomi यूजर हो तो। अगली न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे ऑफ कोर्स शायद Xiaomi की तरफ से है और जो किलर नोट 2.0 है जी हाँ K20 वो 28 मई को चाइना में हो सकता है लॉन्च। अभी तक इंडिया में लॉन्च होगा और किस नाम से आएगा वो तो हमें नहीं पता है, शायद कि पोको F2 ही हो या फिर K20, मतलब कुछ भी नाम से आए फर्क पड़ता है या नहीं वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, बट 28 मई को पता चल जाएगा कि भाई इस फोन से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब फाइनल न्यूज है दोस्तों यहाँ पे गूगल पिक्सल के बारे में एंड गूगल पिक्सल 4 की रेंडर्स और लीक सामने आए हैं जिससे कुछ बातें पता चली हैं। सबसे पहले की ये कि आपको अब डुअल कैमरा मिल सकता है एंड सेल्फी में दोस्तों आपको जो सैमसंग जैसा जो पंच होल डिज़ाइन है ना वो मिलेगा, तो कैमरा आपको स्क्रीन के अंदर मिल रहा है एंड फिंगरप्रिंट नहीं है पीछे फोन के, तो इसका मतलब है कि शायद आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल सकता है। तो डिज़ाइन वाइज आपको बैक साइड में ऑलमोस्ट जैसा पिक्सल का स्टेटमेंट है वैसे दिख रहा है बट हाँ डिस्प्ले वगैरह एंड ओवरऑल एक्सपेक्ट रेशियो एंड चिन वगैरह में शायद इस बार कंपनी कुछ काम करे बिकॉज लिटरली पिक्सल 3A, 3A XL इन सब की डिज़ाइन से मैं तो एकदम भी इंप्रेस नहीं हूँ। वैसे दोस्तों ये थे आज के सारे न्यूज़ एंड टेक अपडेट्स एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है सीरीज अगर पसंद आती है तो भाई प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दे देना एंड सब्सक्राइब तो भाई जरूर कर लेना। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना, अगली वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए बाय।